आपको ये डायग्राम देगा, कहेगा साइन वेव है, वोल्टेज साइन के साथ चेंज हो रही है। इस ग्राफ को देखते हुए मुझे एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज बताओ क्या होगी, क्योंकि ये साइन कर्व है तो हमारे फॉर्मूलाज इसमें वैलिड है। तो एवरेज वैल्यू क्या होती है, 2/π इंटू ई नॉट, और यहाँ से ई नॉट की वैल्यू कितनी है, 314, 314, 314 को ई नॉट में पुट करके आंसर। क्लियर है यहाँ तक? हमने किया था AC जो स्टार्ट किया था एवरेज वैल्यू का, यही तो फॉर्मूला किया था, 2/π इंटू ई नॉट। ई नॉट ग्राफ से देखना आंसर। नेक्स्ट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, वो ये पूछेगा कि दो ग्राफ्स हैं, दो ग्राफ्स हैं, LCR को सर्किट एलिमेंट्स बोलते हैं, सर्किट के एलिमेंट्स, LCR का सर्किट है, उसके एलिमेंट्स LCR होते हैं। तो सर्किट एलिमेंट्स हैं, सर्किट एलिमेंट्स हैं, और आपको सर्किट एलिमेंट्स का करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ, करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ ये ग्राफ के बना है, रादर करंट नहीं, ऑपोजिशन टू द करंट। ऑपोजिशन टू द करंट को क्या बोलते हैं, XL या XC, रेजिस्टेंस बोलते हैं इसे। तो आपको AC के अंदर अगर ये ग्राफ गिवन है तो पक्की बात है ये कौन होगा, रेजिस्टेंस बताया था, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू फ्रीक्वेंसी चेंज करने से चेंज नहीं होती। और अगर आपको ऐसा ग्राफ गिवन है तो ये पक्की बात है XL होगा, इंडक्टर होगा। क्यों? क्योंकि इंडक्टर XL प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, हमने डिस्कस किया था ऐसा, सही है। फिर से सेम क्वेश्चन है, वो ये पूछ रहा है कि ये ग्राफ ड्रॉ करो, इसका रिएक्टेंस का, इंडक्टिव रिएक्टेंस का और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का विद फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के साथ XL का ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन, और इंडक्टर का ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन, कैपेसिटेंस का ग्राफ क्या है, XC 1/C ओमेगा होती है, हाइपरबोला। सही है, XL भी आ गया, XC भी आ गया। नेक्स्ट है, आपको अकेले अलग से R गिवन है AC सर्किट के साथ, अलग से L गिवन है, अलग से C गिवन है। तो आपको ये पूछ रहा है, अगर मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द EMF को बढ़ा दूं, अगर मैं पीछे से फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं, तो बोलो R का क्या होगा। R की वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा, R की वैल्यू विल रिमेन सेम। लेकिन XL की वैल्यू क्या होती है, XL की वैल्यू L ओमेगा होती है। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो XL की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। XL बढ़ेगा तो करंट घटेगा, जबकि रेजिस्टेंस के केस में जब आप फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे R में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट की वैल्यू विल रिमेन सेम। तो पहले केस में करंट बताना है सेम है, दूसरे केस में फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से XL बढ़ेगा, XL बढ़ेगा करंट घटेगा, तीसरे केस में फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से XC की जो वैल्यू है, ओमेगा बढ़ाने से XC की वैल्यू क्या होती है, बढ़ेगी, कम कम होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि अगर ओमेगा बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो XC घटेगा, XC घटेगा तो करंट बढ़ेगा, क्योंकि ओवरऑल रेजिस्टेंस घटेगी तो करंट बढ़ेगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे इसके आंसर्स मार्क करने हैं आपने, आएगा ऑब्जेक्टिव ही, बट या सब्जेक्टिव एक नंबर में आएगा मुझे पता नहीं, बट समझ में आ रहा है एक्सप्लेनेशन। जैसे क्वेश्चन है, L और L इंडक्टर है और एक साथ में बल्ब कनेक्टेड है और AC सप्लाई है, कह रहे हैं हाउ डज, इसमें LR सर्किट है क्योंकि बल्ब की रेजिस्टेंस भी है और L भी है, LR सर्किट सीरीज में। वो कह रहे हैं कि ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब कैसे चेंज होगी अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स इंडक्टर के घटा दूं। अब याद करो, अगर आप इसके नंबर ऑफ टर्न्स घटाएंगे तो इसकी सेल्फ इंडक्टेंस L घटेगी। याद है EMI का चैप्टर म्यू नॉट एन स्क्वायर L होता है, यू नॉट एन स्क्वायर एरिया, तो एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर एन घटेगा तो एल भी घटेगा, एल घटेगा तो एक्स एल घटेगा। अगर इसका एक्स एल घट गया तो फिर करंट इसमें बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा इसकी ब्राइटनेस बढ़ेगी, ठीक। तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने से एक्स एल घटता है, नंबर ऑफ टर्न्स घटने से सॉरी एक्स एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, घटेगी। एक्स एल जब डिक्रीज होगा तो करंट बढ़ जाएगा, ओवरऑल रेजिस्टेंस विल डिक्रीज, करंट विल इंक्रीज, तो ब्राइटनेस बढ़ेगी। लेकिन वो कह रहा है कि अगर मैं इसके बीच में कैपेसिटर भी फंसा दूं और उस कैपेसिटर की वैल्यू XL के इक्वल हो, तब इसकी ब्राइटनेस का क्या होगा। अगर XL XC की वैल्यू बराबर है तो इम्पीडेंस है, ओ रेजोनेंस है, तो इम्पीडेंस की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी किसके इक्वल, R के इक्वल, Z R को टच कर लेगा क्योंकि XL XC के बराबर है, रेजोनेंस है।
अब इससे घट रेजिस्टेंस हो नहीं सकती, इससे कम नहीं हो सकती। अगर रेजिस्टेंस मिनिमम है तो करंट इसमें क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। वैसे भी रेजोनेंस में करंट मैक्स होता है, तो ब्राइटनेस विल इंक्रीज। लॉजिक समझ में आ रहा है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? जैसे एक बल्ब है, इंडक्टर है, एसी सप्लाई है और एक स्विच है। तो कह रहा है लाइट बल्ब इज एन ओपन कॉइल इंडक्टर, ये ना इंडक्टर, एसी सोर्स है और ये गिवन है। स्विच इज क्लोज, चलो स्विच मैंने क्लोज कर दिया, एंड आफ्टर सम टाइम एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन टू द इंटीरियर ऑफ द इंडक्टर। इसमें आयरन रॉड घुसा दी, लोहे की रॉड घुसा दी, करंट इसमें एसी है, एसी सप्लाई चल रहा है, आयरन रॉड घुसा दी। तो अब वो कह रहा है कि ब्राइटनेस का क्या होगा ये बताओ। देखो एक चीज़ याद रखना, जब आप आयरन रॉड घुसाएंगे तो इसकी एल की वैल्यू म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर होती है, म्यू नॉट म्यू आर हो जाएगी। आयरन रॉड की वजह से आपका एल बढ़ जाएगा बाई म्यू आर टाइम्स। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, ईएमआई का चैप्टर था। अगर आप लोहे की रॉड उसमें एंटर करवाएंगे तो म्यू आर टाइम्स एल बढ़ जाएगा, एल बढ़ेगा एक्स एल बढ़ेगा, एक्स एल बढ़ेगा जेड बढ़ेगा, जेड बढ़ेगा ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी करंट घटेगा, करंट घटेगा तो बल्ब की ब्राइटनेस कम हो जाएगी। सही है। नेक्स्ट है वो कह रहा है अगर मैं एसी छोड़ के डीसी बैटरी लगा दूं, तो जब मैं डीसी बैटरी लगाऊंगा तो इंडक्टर का कोई रोल है ही नहीं, इंडक्टर तो खत्म ही हो गया समझो, क्योंकि इंडक्टर तो काम ही एसी पे करता है, डीसी पे करता ही कहाँ है, तो एक्सएल तो होएगा ही नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा बस। और अगर आर होगा तो इससे मिनिमम रेजिस्टेंस हो नहीं पाएगी, तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा, करंट मैक्स होगा ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, इट विल इंक्रीज। लॉजिक समझ में आ रहे हैं? सारा अफेक्ट इंपीडेंस पे पड़ रहा है, एक्सएल एक्सी चेंज कर रहा है। नेक्स्ट है एक कैपेसिटर है, एक वेरिएबल रेजिस्टर है, इसे वेरिएबल रेजिस्टर बोलते हैं, आर की वैल्यू चेंज हो सकती है, और एक बल्ब है सीरीज में। हाउ विल ग्लो चेंज, इसकी ब्राइटनेस बताओ क्या होगी। अगर मैं कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल दूं आर रिमेनिंग सेम, जब मैं कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालूंगा उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ने से एक्सी घटेगा, एक्सी घटने से करंट बढ़ेगा और ब्राइटनेस बढ़ेगी। ठीक है, तो पहला रूल क्लियर है। दूसरा नेक्स्ट है, अगर मैं आर को इंक्रीज कर दूं और सी को कांस्टेंट रख दूं, अगर मैं ओवरऑल रेजिस्टेंस आर को बढ़ाऊं तो मेरा करंट पूरे सर्किट का घटेगा, आर बढ़ाने से करंट घटेगा, करंट घटेगा तो ब्राइटनेस भी घटेगी, डिक्रीज। सही है यहाँ तक? कैसे लॉजिक बने हुए हैं इसमें, क्लियर है? नेक्स्ट है मेंशन द फैक्टर्स ऑन विच रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज एलसीआर डिपेंड्स। तो किस पे डिपेंड करती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एल और सी पे डिपेंड करती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, आर पे नहीं डिपेंड करती। नेक्स्ट है ग्राफ प्लॉट करो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ग्राफ प्लॉट करो। हमने रेजोनेंस पे करंट का ग्राफ ड्रॉ किया था, मैक्सिमम करंट, ये इंपीडेंस का पूछ रहा है, इंपीडेंस कैसे चेंज होती है। तो इंपीडेंस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में मिनिमम हो जाती है और इक्वल टू क्या हो जाती है, आर के इक्वल। तो इंपीडेंस का ग्राफ यहां पर टच मत कर देना, इंपीडेंस यहां टच करना और बीच में कहीं पर, ताकि ये जेड इज इक्वल टू आर के इक्वल हो जाए। सही है, तो ये पॉइंट आ गया। फिर से एक लोहा डाल रखा है इंडक्टर में, फिर एक बल्ब है, लोहा डाल रखा है, लेकिन इस बार इंपॉर्टेंट ये सोर्स एसी नहीं है, सोर्स डीसी है। अब एसी की क्या प्रॉब्लम है, कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग है, डीसी कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग नहीं है। वो जैसे मान लो बैटरी ने 5 एम्पीयर करंट देना है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक तो चेंज होगा, उसके बाद करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाता है, कुछ देर के बाद तो कांस्टेंट हो जाएगा और इंडक्टर का रोल खत्म हो जाएगा। शुरू शुरू में इंडक्टर रोल प्ले करेगा, बाद में नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि व्हाट विल बी विल वन ऑब्जर्व व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड। तो जब स्विच एस को हम इसे क्लोज करेंगे तो क्या होगा, करंट इसमें धीरे धीरे बढ़ेगा, 0, 1, 2, ठीक है झगड़ा होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगी, लेकिन अल्टीमेटली बैटरी ही जीतेगी और 5 एम्पीयर करंट लाने में सक्सेसफुल तो हो ही जाएगी। कभी ना कभी तो करंट बढ़ेगा ही, घटेगा तो है नहीं। तो अगर करंट बढ़ता जाएगा तो ब्राइटनेस भी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ब्राइटनेस बढ़ेगी। नेक्स्ट है अगर मैं इस सोर्स डीसी को किससे रिप्लेस कर दूं, एसी से। एसी रिप्लेस करने से क्या होगा, आयरन डाल रखी है बीच में तो एल बढ़ जाएगा, एल बढ़ेगा एक्सएल बढ़ेगा, एक्सएल बढ़ेगा जेड बढ़ेगा, रेजिस्टेंस जेड बढ़ेगी करंट घटेगा, तो ओवरऑल ब्राइटनेस
डिक्रीज हो जाएगी। सही है, ऐसे क्वेश्चन तो सीबीएसई वालों के ऑल टाइम फेवरेट है, ये तो उन्होंने पूछने ही पूछने हैं। ठीक, मतलब अगर कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि मैं ना एक काम करूंगा, ओनली इंडक्टर ओनली कैपेसिटर की डेरिवेशन याद करके चला जाऊंगा और फिर देखी जाएगी, देखो यार वो सिर्फ 23 नंबर से ऊपर क्रॉस नहीं कर पाएगा। उतना तो सीबीएसई ध्यान रखती है, उन लोगों का भी ध्यान रखती है, इतना तो कर लेगा, लेकिन फिर ये एक्सपेक्ट ना करे कि उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा रिजल्ट है और वो बड़ी खुशी मनाएगा एंड में कि मेरा रिजल्ट अच्छा आया। ऐसा नहीं होगा, आपको समझना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, बिना समझे आप नहीं कुछ हैंडल कर पाएंगे, और अच्छा भी है, नहीं तो देश खराब हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको।
मैं इसमें वोल्टेज और करंट के ना ग्राफ गिवन है इसमें, वी और आई, और क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई द ग्राफ दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू ओमेगा ग्रेटर देन 1/√LC। अब ये क्या चक्कर है, वो कह रहा है जी आपकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन रेजोनेंस है, लास्ट टाइम किया था, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन रेजोनेंस है, बड़ी फ्रीक्वेंसी है, तो आपका एक्स एल बड़ा होगा एक्स सी छोटा होगा। फ्रीक्वेंसी अगर रेजोनेंस को टाप गई तो जितनी मर्जी टाप की जाए, अगर फ्रीक्वेंसी लेस देन रेजोनेंस है, लास्ट टाइम हमने ग्राफ किया था अगर आपको याद हो कैसे, ये देखो मैंने लिखवाया भी था ऐसे कि ये जो वैल्यू होती है एक्स एल इक्वल टू एक्स सी है, मैंने बताया था, और ये एक्स सी ग्रेटर देन एक्स एल है, और ये एक्स एल ग्रेटर देन एक्स, याद है लास्ट टाइम लिखा था। तो अगर फ्रीक्वेंसी टप गई रेजोनेंस को, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, इससे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, तो एक्स सी तो घटेगा घटेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई ना एक्स सी घटेगा एक्स एल बढ़ेगा, और वो तो यही तो कह रहे हैं आपकी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस से बड़ी है एक्स एल बढ़ जाएगा, एक्स एल बढ़ेगा तो ये इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट है, और इंडक्टर का इसमें से कौन सा ग्राफ है, ऊपर वाला कि नीचे वाला, कैसे पहचाना, डॉटेड लाइन से, बताया था जब थ्योरी करवाई थी, डॉटेड लाइन माइनस कॉस है इंडक्टर है, और अगर ऊपर से है तो कैपेसिटर है, तो इंडक्टर डोमिनेटेड सर्किट है ये, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन रेजोनेंस है, ये आंसर है इसका। तो समझ में आ रहा है कि कैसे क्वेश्चन घुमा घुमा, ग्राफिकल क्वेश्चन तो बहुत आते हैं सीबीएसई में। ये लो चेंजेस विद फ्रीक्वेंसी। अब रिएक्टर्स तो दो किस्म की है, ये एक्सएल है कि एक्ससी है, पहले ये बताओ, एक्सएल की एक्ससी कैसे पता लगा, जितना बड़ा ग्राफ बना दिया, एक्सएल प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, दैट एक्ससी क्या होता है इनवर्सली, तो एक्सएल है ये, ठीक है। फिर ऊपर से फाइंड द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, मतलब ये तो बिल्कुल ही साफ बोल रहा है खुद क्वेश्चन, ये एक्सएल है, इंडक्टेंस पूछ रहा है, कैपेसिटेंस पूछ ही नहीं रहा, एल निकालो। अब इसमें एक्सएल क्या होता है, एल ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, 2/2 फ्रीक्वेंसी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एल निकालना है। अभी ध्यान से देखना, वाई एक्सिस क्या शो करता है, एक्सएल, एक्स एक्सिस क्या शो करती है, फ्रीक्वेंसी, एक्सएल बाय फ्रीक्वेंसी, इसकी स्लोप क्या होगी, एक्सएल बाय फ्रीक्वेंसी, है ना, वाई एक्सिस एक्सएल बाय फ्रीक्वेंसी क्या देगी इसकी स्लोप, तो ये देखो एक्सएल बाय फ्रीक्वेंसी क्या है, स्लोप, तो 1/L की वैल्यू क्या होगी, 1/2π इंटू उसकी स्लोप, स्लोप तो कैसे भी निकाल दो, इस ट्राइंगल से निकाल दो, इससे निकाल दो, जिससे मर्जी निकाल दो, टेन थीटा निकाल देना, जैसे भी यहाँ पे पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, एल आ जाएगा, सही है। इसी क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इफ इंडक्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज टू अ रेजिस्टर, अब ये सर्किट क्या बन जाएगा, एल आर सर्किट, एल आर सर्किट, फाइंड इम्पिडेंस एट फ्रीक्वेंसी 300। अब इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर और एक्सएल स्क्वायर। अब प्रॉब्लम ये है कि एक्सएल क्या पुट करें, एक्सएल की वैल्यू मैंने क्या पुट की, 6, वो क्यों, क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 300, तो 300 फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल कितना लेना पड़ेगा, 6, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग एक्सएल है, तो यहाँ पर एक्सएल की वैल्यू क्या लेनी है, 6, सही है यहाँ तक, अब ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ई आर एम एस पता है, इसमें ई आर एम एस 220 है, फ्रिक्वेंसी पता है, ये एल सी आर सीरीज सर्किट है, भूलना नहीं है, देखने में लगे ना लगे वैसे सिलेबस में एल सी आर सीरीज ही है, पैरल तो है ही नहीं, तो ये वोल्ट मीटर से रीडिंग लेने के लिए है, आपको आर पता है, आपको इस क्वेश्चन में वी वन वी टू वी थ्री पता है, मतलब वोल्टेज रजिस्टर की पता है, वी आर पता है, वी सी पता है और वी एल भी पता है, तीनों वोल्टेजेस पता है, करंट मत बोलो क्या होगा, जब कुछ मेंशन नहीं तो कौन सा करंट है, आर एम एस करंट है, तब क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले रेजिस्टर लेंगे,
रेजिस्टेंस के अंदर लगाएंगे ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब वी आर एम एस आपको क्वेश्चन में गिवन है वी वन, आपको आई आर एम एस निकालना है और आर की वैल्यू आपको गिवन है 100। तो यहाँ से पहले तो आई आर एम एस आएगा, आई आर एम एस आ गया। फिर आपको इसमें एल निकालना है, अगला पार्ट है एल निकालो, ओम्स लॉ एल में लगा दो। कैसे? वी आर एम एस या वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो कि गिवन है इज आई आर एम एस इंटू एक्सएल। तो यहाँ पर आर की जगह क्या हो जाएगा अब एक्सएल। आई आर एम एस तो मैंने ए पार्ट से निकाल रखा है, वी एल गिवन है, सॉल्व करके एक्सएल आ गया, एक्सएल से एल आ जाएगा एक और आंसर। अगला पार्ट है सी निकालो, अब कैपेसिटेंस में ओम लॉ लगा दो, कैपेसिटर की वोल्टेज आई आर एम एस इंटू एक्स सी। कैपेसिटर की वोल्टेज गिवन है आपको क्वेश्चन में 204, आई आर एम एस आपने निकाल लिया एक्स सी 1/C ओमेगा से सी आ जाएगा। फिर वो कह रहे हैं वैल्यू ऑफ सी निकालो, सी निकाल तो लिया, फिर से सी निकालो, एक नया सी निकालो ताकि एल रिमेन्स सेम, एल को चेंज नहीं करना, नया सी निकालो जब सिस्टम रेजोनेंस में है। अब रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, एल ओमेगा इज इक्वल टू 1/C ओमेगा, तो यहाँ से एल पुराना रखना है और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली नई सी की वैल्यू निकाल देनी है, पुरानी में रेजोनेंस नहीं इसमें रेजोनेंस कर देनी है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? ठीक है, ये हमने ई एम आई में कर लिया था, ई एम आई में सेम क्वेश्चन।